सी लैंग्वेज की आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के स्विच केस की। ओके, तो ये तो हमारे पास में थ्योरी है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्विच केस का स्ट्रक्चर होता कैसे है और ये काम कैसे करता है। ओके, देन हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, उन ब्रेक की वर्ड एंड डिफॉल्ट की वर्ड। ओके, तो नीचे हम आएंगे, हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, ये एक हमारा सी लैंग्वेज का एक सिंटैक्स है हमारे पास में। तो स्विच केस में ये स्विच है हमारे पास में, बाकी केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, कितने भी केस ले लेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन, क्लियर। तो ये स्विच है आपका। ओके, और इसके अंदर आप पास करेंगे कंडीशन जो मैच होनी है, क्लियर। और कंडीशन वाले पास में आप क्या क्या पास कर सकते हैं। ओके, कंडीशन वाले पार्ट में आप कोई इंटीजर वेरिएबल पास कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर वेरिएबल पास कर सकते हैं, या कोई स्मॉल एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, क्लियर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई इंटीजर वेरिएबल लिया मैंने। ओके, तो अब जो भी वेरिएबल होगा, ओके, लाइक मान लीजिए ए वेरिएबल लिया मैंने, क्या लिया, ए वेरिएबल। ओके, क्या लिया, ए वेरिएबल। ओके, अब ए में मैंने यहाँ मान लीजिए क्या किया, मैंने यहाँ पर मैंने एक एंट ए लिया, वहाँ पर मैंने वन पास कर दिया, मैंने क्या पास किया, वन। ओके, इसमें क्या होगा, देखो मैंने ए में तो ए में वन असाइन करा दिया और मैंने यहाँ को, यहाँ मैंने ए को पास कर दिया। ओके, अब क्या होगा, ओके, ए में वन पास किया मैंने, वन मतलब केस वन। ओके, अब केस वन आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये जो लाइन्स होंगी, इन लाइन्स को आप बोलेंगे स्टेटमेंट, क्लियर। तो जब हमारी, हमारा केस वन कंडीशन ट्रू होगा, तो ये जितनी भी स्टेटमेंट है, ये सब की सब स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होंगी और प्रिंट होंगी, क्लियर। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर टू पुट करूँगा, ओके, तो यहाँ पर टू आएगा, देन केस टू आपका एग्जीक्यूट होगा और जितनी भी स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी, क्लियर। तो ऐसे ही केस थ्री, मान लीजिए मैंने यहाँ पर फाइव पास कर दिया, मैंने क्या पास कर दिया, फाइव पास कर दिया मैंने। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पर फाइव आ गया, तो हमारे पास में यहाँ पर केस वन, केस टू, थ्री, टू थ्री है हमारे पास में। ओके, और थ्री केस है हमारे पास में। मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसा केस पास किया है जो केस इस लिस्ट में नहीं है, ओके, देन आपका डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्लियर। तो उस केस में डिफॉल्ट में जो भी लिखेंगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा, क्लियर। और ये जो ब्रेक हैगा, इस ब्रेक के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, ओके, जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, क्लियर। तो ब्रेक क्या करता है वो देखेंगे बाद में। तो ये स्विच, स्विच केस की डेफिनेशन हमारे पास में, स्विच स्टेटमेंट्स अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यू। ओके, ईच वैल्यू इज कॉल्ड केसेस। ओके, अभी हमारे पास में जो वैल्यू केस वन, केस टू, केस थ्री, इनको वैल्यू बोल देंगे, ओके, और इनको केस भी बोल देंगे, क्लियर। द वेरिएबल बींग स्विच्ड ऑन इज सेट फॉर ईच स्विच केस। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अब हम यहाँ पर जो भी पास करेंगे ए में, ओके, वो इन वैल्यू से मैच करेगा। मैंने ए में देखो इनडायरेक्टली मैंने फाइव मैच किया गया, तो फाइव वैल्यू फाइव तो यहाँ पर कहीं है नहीं, मतलब केस फाइव यहाँ पर कहीं है नहीं। तो उस केस में क्या होगा, आपका डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, बेसिक सा वो देखते हैं। इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच ले लेंगे आप, देन वाइड मेन लिया मैंने, देन इंट एक वेरिएबल लिया सी एच, एक चॉइस ले लिया हमने, प्रिंट एफ, एंटर योर चॉइस, ओके, और स्कैन एफ लगाया हमने,
सी एच। ओके स्विच सी एच चॉइस को मैंने इसमें पास करवा दिया, क्लियर। अब क्या करेंगे, मान लीजिए अब देखो केस वन लेंगे, ओके, और यहाँ लगाएंगे कॉलन, प्रिंट एफ, ओके, लाइक लाइट, ब्रेक, सेम कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल, चार ले लेंगे हम केस, टू थ्री फोर, फैन, टीवी, ओके, और एक कोई भी ले लेंगे, फैन टू ले देंगे। मान लीजिए दो फैन है हमारे पास में, फैन वन फैन टू, ये तो बल्ब ले लेंगे, बल्ब, और एक ले लिया हमने डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वाला बात फिलहाल छोड़ देंगे, वो आगे देखेंगे हम अभी हम। ओके तो पहले हम प्रोग्राम को सेव कर लेंगे, स्विच डॉट सी, स्विच सी डॉट सी, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ओके मैंने यहाँ पास किया टू, तो फैन प्रिंट होगा, ओके, क्योंकि केस टू पे आपका फैन है अब। और मैंने अब यहाँ लिखा, मैंने कंपाइल एंड रन, और अब लिखा मैंने थ्री, तो टीवी प्रिंट हो रहा, क्लियर। तो डिफॉल्ट वाला पार्ट इसमें जो होता है आपका, वो आपका होता है ऑप्शनल, पास करो या ना करो, क्लियर। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने अब पास किया एट, ओके, तो एट तो कोई केस ही नहीं है, ओके, इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि एट के लिए, तो इस केस में आएगा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा आपका, क्लियर। तो ये जो स्विच केस है मैंने हमारे पास में, जस्ट लाइक हमारे घर पे जो बोर्ड होता है ना, ओके, बटन लाइक स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, स्विच वन को प्रेस किया तो लाइट जल गई, स्विच टू को प्रेस किया तो फैन ऑन हो गया, स्विच थ्री को प्रेस किया टीवी ऑन हो गया, स्विच फोर को प्रेस किया बल्ब ऑन हो गया, क्लियर। तो ये उसी तरीके से कुछ हमारा होता है, ओके। मान लीजिए अगर मैं ऐसी कोई चॉइस एंटर करता हूँ, ओके, जो चॉइस हमारे पास में नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफॉल्ट लगा देंगे, ओके, डिफॉल्ट वाला पार्ट चलेगा आपका, एंटर वैलिड चॉइस, ओके। तो अब क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास में टोटल चार चॉइस होंगी, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, इसके अलावा मैं कोई और केस केस एंटर करता हूँ, जैसे कि फाइव, सिक्स, ओके, सेवन, कुछ भी डालता हूँ, तो आपका डिफॉल्ट वाला पार्ट चलेगा और लिखा आएगा एंटर वैलिड चॉइस, क्लियर। तो देखते हैं, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्विच केस की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ये ब्रेक, ब्रेक होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्लास को हम करते हैं स्टॉप।